कोशिश ये हुई क्या कि छोटी सी मीटिंग भी शायद बर्दाश्त नहीं है मौजूदा इंतज़ामिया को, न मालूम क्यों क्या हम जो कहने वाले हैं या जो कुछ आज तक हम कहते आए हैं वो कुछ और नहीं, वही हम मांग रहे हैं जो आईनी पोजीशन हासिल रही जम्मू कश्मीर लद्दाख को 4 अगस्त 2019 तक उसको बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है और मीडिया पर्सन मुख्तलिफ शेड्स के साथ ताल्लुक रखने वाले जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को साइलेंट, जम्मू कश्मीर में साइलेंस को नॉर्मलसी से तबीर किया जाता रहा है और आज भी खामोश रहे कब्रिस्तान की तरह कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गांवों में, शहर में कोई बात न करे, सर उठाकर ना चले, वो मंजूर नहीं है मौजूदा सरकार को। अलावा हमने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, उसकी कापियां हम आपको भेज देंगे। रेजोल्यूशन में फिर यही इरादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो 4 अगस्त को हमें मिली थी, मौजूद थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसे रेस्टोर किया जाए। आर्टिकल 370 35A मुकम्मल स्टेटहुड, ये हमारी आईनी पोजीशन रही है और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का आईन जिसे गैर आईनी तौर पर ख़त्म किया गया उसे बहाल किया जाए, ये हमारी बुनियादी मांग है, बुनियादी एजेंडा है। सेक्रेटेरिएट पर जाइए और देख लीजिए जो कलीदी ओहदे हैं वो किनके पास हैं। आज ये देख लीजिए कि जो आपके पास डिप्टी कमिश्नर्स हैं और पुलिस महकमे में लोग हैं, जो बाकी महकमाजात हैं, कश्मीरी जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के लोग कहाँ जाए, इनके साथ इतना भेदभाव किया जाए क्या अब उनको अपनी जगह भी ना मिले। जलील करने की बात है, ये जिल्लत और ये रुसवाई। जहाँ तक PAGD का ताल्लुक है हमने इरादा किया, हमें मंजूर नहीं। आज ये एक मुहिम चलाई जा रही है हर सतह पर यहाँ के पॉलिटिकल क़यादत को, पॉलिटिकल कारकुन को मसख करने की, जैसे कि यहाँ सिर्फ चोरों के बगैर और कुछ नहीं। ये एक जिल्लत आमेज रवैया PAGD का इरादा है, हमें मंजूर नहीं। हम ये मुकदमा हिंदुस्तान के, मुल्क के, जनता के सामने भी रखेंगे। आपकी वसातत से हम सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सनैलिटी, मीडिया हाउसेज, मीडिया में काम करने वाले कारकुनों और इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहते हैं क्या जम्मू कश्मीर के आवाम को बेइज्जत किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके नतीजे बेहतर नहीं होंगे बल्कि मुजर रहेंगे मुल्क के लिए भी और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी।